पहली बार है, ये पहली बार है जो मैं एक लॉयर का किरदार निभा रही हूँ, और मैंने इससे पहले कोई कोर्टरूम ड्रामा की फिल्म या शो की नहीं है। ये पहली फिल्म है जिसमें एक कोर्टरूम ड्रामा का और एक लॉयर का किरदार निभा रही हूँ। मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं कोर्टरूम ड्रामास एंड क्राइम थ्रिलर्स, दीज आर टू ऑफ माई फेवरेट जॉनर्स जो मैं बार बार देखना चाहती हूँ। मैं रिंकी कुमारी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और रिंकी कुमारी एक रिक्शा वाली की लड़की है और एक ब्राइट स्टूडेंट है, जिसका ये कहना है कि मैंने कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने 99.9% मार्क्स ले आई हूँ या कुछ ले आई हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरे 60% मार्क्स हैं, बट ये जो 60% मार्क्स हैं वो मैंने कमाए हैं, ये मेरी मेहनत की कमाई है, और ये कोई भी पैसे देकर या कोई भी स्कैम करके मुझसे ये नहीं छीन सकता। सो आई थिंक ये उस लड़की की कहानी है जिसके लिए शायद 10,000 रुपये भी कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ खर्च करना है बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे इंसान के लिए उससे उसकी मार्कशीट, उसका पूरा फ्यूचर वो छीन लेना, तो ये उसकी कहानी और उसकी लड़ाई की बात है, जहाँ वो कह रही है कि भाई मुझे लड़ना है, मुझे नहीं पता मुझे किससे लड़ना है पर मुझे लड़ना है। आई थिंक प्रोफेशनली फिल्म के बारे में तो नहीं कहूँगी, लेकिन पर्सनली कहूँगी कि आई कम फ्रॉम अ लाइन ऑफ लॉयर्स एंड जजेस। मेरे ताया जी एक प्रोसिक्यूशन लॉयर थे मध्य प्रदेश में, मेरे ग्रैंडफादर मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट जज रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी पोस्टिंग होती थी, तो बचपन से उनको देखा है लॉ करते हुए, एंड इसलिए मेरी एक ऑलवेज एक रुचि थी लॉ में। एंड उसके अलावा तो मेरे हस्बैंड बोलते ही हैं कि मैं डिबेटिंग इतना अच्छा करती हूँ, आर्ग्यूमेंट इतने अच्छे देती हूँ कि मुझे तो लॉयर ही होना चाहिए था। तो बिसाइड्स ऑल दैट आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई एंजॉय डूइंग। कौन-कौन से मुद्दे पर आपकी डिबेट होती है? तू घर आ बताती हूँ तुझे। आई थिंक जैसे मैं लोगों को कहती हूँ कि हर एक किरदार हम लोग के अंदर एक मल्टी फैसेटेड इंसान होता ही है, हमारे ऊपर है हम अपनी पर्सनालिटीज़ कैसे फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप सोचने जाएं तो हर एक एक्टर में और हर एक इंसान में कहीं ना कहीं एक किसी किरदार का भाग ज़रूर एग्जिस्ट करता है, वो है आपके अंदर, उसको कैसे लाना और उसकी पर्सनालिटी कैसे शेप करना। तो आप अगर देखेंगी इंद्राणी कोठारी की पर्सनालिटी तन्वी शुक्ला जी से बहुत ही अलग है, और KGF में रमिका सेन की पर्सनालिटी थी वो बहुत ही अलग थी, और आप ऐसे ही अलग अलग किरदार, अभी आप अरण्या की बात करेंगे तो वो जो पहाड़ी पुलिस इंस्पेक्टर थी उनकी पर्सनालिटी इन तीनों से ही बिल्कुल अलग थी। तो पर कहीं ना कहीं मैं भी उनमें हूँ और कहीं ना कहीं उनका भाग भी मुझ में है। आई थिंक जब अरण्या करने के समय मुझे मालूम था कि मैं बहुत ही एक अगर किरदार उठाऊंगी तो कुछ हटके तो बहुत अलग होती है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग किरदार उठाऊंगी जो मैंने कभी पहले प्ले नहीं किया है उस तरीके का रोल। तो जब अरण्या का ऑफर आया मेरे पास और दूसरे बहुत सारे किरदार आए निभाने के लिए, पर वो इतने अलग नहीं थे, वो सेम थे जो आप बोलते हैं अच्छा रवीना वही शहर की लड़की कर रही है या वही यू नो बॉम्बे की लड़की यू नो हाई सोसाइटी टाइप के रोल्स, फिर वही सेम देखने को मिलता। तो जब इसलिए एक पहाड़ी पुलिस इंस्पेक्टरेस का मुझे आया किरदार करने के लिए, वो भाषा के साथ, वो लहे के साथ, वो एक एक्सेंट थोड़ा डाल के, तो मुझे बहुत मज़ा, एक चैलेंज था मेरे लिए करने के लिए। एंड फिर उसी एक्सट्रीम में रमिका सेन किया, उसी एक्सट्रीम में इंद्राणी कोठारी किया, उसी एक्सट्रीम में पटना शुक्ला कर रही हूँ। नो देयर इज नो गाइडलाइन, मुझे पसंद आनी चाहिए एक स्टोरी,
और ये पटना शुक्ला की कहानी है जो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि आई थिंक मैं हूँ, प्रोड्यूसर साहब हैं, हमारे दोनों हमारे जो बच्चे हैं वो हम उम्र के हैं और दोनों ही छात्र हैं, तो ऐसे ही लगता है कि यू नो कि इट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू डू फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री फॉर श्योर, कि हम लोग तभी भी थोड़े प्रिविलेज लोग हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनका क्या जो जो जैसे रिंकी कुमारी की कहानी है उसमें कि उनके फादर ने अपनी पूरी ज़िंदगी की अपनी कमाई लगाती अपनी बेटी को एडुकेट करने के लिए ताकि वो अपने पैरों पे खड़े रहे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो ज़िंदगी भर, और वो उससे उसका फ्यूचर जब छिना जाता है तो सिर्फ एक लड़की की कहानी और उसकी फ्यूचर की बात नहीं है लेकिन एक आम इंसान की भी बात है कि वो कैसे लड़े, वो किसके पास जाए लड़ने के लिए, हाउ डज दैट वन कॉमन मैन फाइट अगेंस्ट द सिस्टम, सो दैट इज़ वॉट द होल स्टोरी इज़ अबाउट। बहुत ही एक पारिवारिक फिल्म है, इतनी हैवी इंटेंस भी नहीं है कि दुखी आ रही सारे रो रहे हैं, मैं रो रही हूँ, ये रो रही है, कुछ ऐसा नहीं है, पर एक एक आशा देती है ये फिल्म, एक होप देती है, एंड उसी होप के साथ हमने ये फिल्म बनाई है कि हमें इतनी हैवी फिल्म भी नहीं बनानी कि लोग देखें अरे यार ये क्या बना दिए, लोग ने रोना धोना है, पर एक नाइस ब्रीजी हैप्पी फिल्म जहाँ होप है, जहाँ लोगों के लिए एक 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 आइडिया है कि भैया तुम भी शायद ये लड़ाई लड़ सकते हो। जी हाँ आई वॉज नहीं आई वॉज गेटिंग ऑल माई आर्म्स कि किस तरीके से अखियों से गोली से मैं मुझ पर लग भी जाए और मैं बच भी जाऊँ, बट आई थिंक अपने आप में मतलब जब आप ये बात कह रहे हैं उस बात सुनना ही, और आई थिंक अभी उनके साथ बैठ के ये करना और आप लोगों के साथ थैंक यू फॉर कमिंग, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जर्नी ना सिर्फ एक्साइटिंग रही है बल्कि ये भी समझने को मिला कि कितना कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखने को मिली है, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर शी हैज सीन सिनेमा चेंजिंग, शी हैज सीन बॉम्बे वर्ल्ड चेंजिंग, सो आई थिंक वो सब सीखना, बट ऑल्सो एज अ ह्यूमन आई थिंक वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि उनसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि वो इतनी खूबसूरत कैसे हैं, मुझे लगता है जो इंसान अंदर से इतना इतना खूबसूरत होता है ना, एंड यू ग्लोज कि आप रह नहीं सकते हो कि वो सामने से भी खूबसूरत दिखना बंद हो जाए, सो इट्स लाइक दैट। आई विल टेक हर क्वेश्चन। I think Arbaaz is one of the nicest producers which we both can vouch with. Such a lovely person to work with, and हम लोग बहुत सालों से मित्र भी रह चुके हैं, लेकिन वो तो चलो मेरे फ्रेंड हैं इसलिए, पर आई थिंक इवन फ्रॉम फॉर पीपल whom he is not met, he is a wonderful person and we both sincerely wish him all the best and all the success for even Patna Shukla and all that he does ahead. Thank you everybody for coming. Please do watch 29 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर पटना शुक्ला। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बोला किसी को, बोला दो लोगों को, बोला एक से काम नहीं होगा, बैक्स को बुला लो, ये थोड़ा सा कंपनी को कर दीजिए, कार दीजिए, घर के लेके जाना है, खड़ा हो जाइए, बैठिए, निश्चल हो गया या पता नहीं चिल्ला, अरे अरे ऐसा मत जाओ यहाँ पर, वीडियो खराब हो जाता है। ओह नाइस, कुछ अतुल से अनुष्का बताओ क्या मैडम, इतने अनुष्का लुक किया है ना, स्टे हियर माइक को पहले पटा, क्या बात है, अरे यार चोको थोड़ा नीचे हल्का सा, जो पीछे पीछे ना पीछे पीछे यहाँ पे नीचे आप सेंटर डाल, मैम सेंटर डाउन यहाँ पर, मैम सेंटर डाउन डाउन, यस यस परफेक्ट,
ओके थैंक यू वेट वेट थैंक यू वेट 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 मैम 20 सेकंड में डायरेक्टर है क्या सेंटर रविना जी यहां पे यस और कंपनी का ना फोटो थैंक यू मैम थैंक यू